दुखद घटना घटित हुई है पांडवपाड़ा खारघर में। जी हाँ, घूमने आई हुई लड़कियाँ, जी हाँ, कॉलेज बंक करके घूमने आई थी और पुलिस के अनुसार ये सब कहा गया है। और ये लड़कियाँ जो हैं वो जो कुछ डूब गई, उनके मृतदेह को निकालते हुए आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के कुछ लोग हैं और कुछ पुलिसकर्मी हैं। और इस दुखद घटना से सारा नवी मुंबई काफ़ी दुखी है। जी हाँ, और ये घटना घटित हुई इसलिए क्योंकि वो बंक की थी उन्होंने लेक्चर्स। जी हाँ, ये तीन लड़कियाँ जिस कॉलेज की हैं उनसे एक लड़की और किसी और अलग कॉलेज की है जो कि पता लगाया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से विभागीय लोग किस तरह से जो है वो शवों को निकाल रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद घटना है और हम इस दुखद घटना में सहभागी हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी सावधानी के, जबकि हाई अलर्ट डिक्लेयर किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल कल ही हाई अलर्ट डिक्लेयर हुआ था लेकिन हाई अलर्ट को नज़रअंदाज किया गया और कारण बना ये मौत का मुंह। जी हाँ, जिसको कहते हैं कि काल जब आता है तो किसी भी तरफ से आता है। जी हाँ, पुलिस की ने भी प्रतिक्रिया दी है लेकिन हमारे पास पुलिस की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं पहुंची है। कई और न्यूज़ के पास पहुंची होगी मगर हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची है, इसलिए हम आपको उतना ही दिखा रहे हैं जितना कि हमारे पास है। हम चेतावनी देना चाहते हैं उन लोगों को, जी हाँ, जो इस तरह के प्लानिंग कर रहे हैं। बारिश में प्लीज़ बाहर मत निकलिए, बारिश में प्लीज़ बाहर मत निकलिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है।